बद्रीनाथ धाम के कपाट वृष लगन में शनिवार शाम 7:45 बजे विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हिमालय की चार धाम यात्रा ने भी विराम ले लिया है। जी हां, आपको बता दें, कपाट बंदी होने के अवसर पर रिकॉर्ड 4,367 श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे और अब शीतकाल के दौरान भगवान बद्री नारायण के दर्शन योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में होंगे। उधर बद्रीनाथ धाम के साथ ही सुंभाई गांव स्थित भविष्य बद्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, समुद्र तल से 10 और 276 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया भगवान नारायण के फूलों से श्रृंगार के साथ सुबह ही कर दी गई थी। नित्य पूजाओं के साथ भगवान को दोपहर का भोग लगाया गया। वैसे दोपहर का भोग लगने के बाद कुछ समय के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं, लेकिन कपाट बंद होने के मौके पर दिन भर कपाट खुले रहे। इस दौरान इस दिन को यादगार बनाने के लिए मंदिर को 20 क्विंटल गेंदा और अन्य प्रजाति के फूलों से सजाया गया था। तो तस्वीरें भी आप ये देख सकते हैं किस तरह से उत्सव मनाया गया। कल आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के 7:45 बजे शाम कपाट बंद कर दिए गए और कितनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु उमड़े दर्शन करने के लिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में धाम को कितने सुंदर सजाया गया, 20 क्विंटल गेंदों के फूलों से पूरे धाम को सजाया गया था। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, कल बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, कैसा नजारा शाम को देखने के लिए मिला? बिल्कुल, देखिए पारुल, धीरे धीरे अब चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड की समाप्ति की ओर हो गई है। और कल शाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो गढ़वा स्काउट के बैंडों की धुन पे जो है यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है जय जयकारे, यहाँ पे नारायण के जय जयकारे लगा करके हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री पहुंचे हुए थे। और 6:45 में भगवान बद्री विशाल के कपाट यहाँ पे बंद कर दिए गए। पारुल, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री पहुंचे हुए थे और आज जो है कुबेर जी और जो शंकराचार्य की गद्दी है वो बद्रीनाथ से रवाना होगी, पांडुकेश्वर में आज पांडुकेश्वर पहुंचेगी और यहाँ पे एक महोत्सव के रूप में इसको देखा जाएगा। और हजारों की संख्या में यात्री आज भी यहाँ पर रहेंगे क्योंकि जब 6 महीने जो पूजा अर्चना होगी वो पांडुकेश्वर में होती है भगवान बद्री विशाल की। और उसके बाद जो है कल का जो कार्यक्रम है, कल जो शंकराचार्य की गद्दी है वो जोशीमठ के लिए रवाना हो जाएगी। यानी जो नरसिंह मंदिर है यहाँ पर शंकराचार्य की गद्दी रहती है, जो कुबेर भगवान जी जिसकी पूजा अर्चना भगवान बद्री विशाल के मंदिर में होती है वो जो है आपको पांडुकेश्वर में रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब चार धाम यात्रा समाप्त की ओर है और अब जो है बद्री विशाल के कपाट जो है शीतकालीन के लिए यहाँ पे बंद हो गए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री पहुंचे हुए थे। आपका चमोली प्रशासन यहाँ पे था, चाहे आपका देवस्थान बोर्ड के अधिकारी या कर्मचारी हो या तमाम सारे आईटीबीपी के बैंड यहाँ पे थे और गढ़वाल स्काउट की आर्मी यहाँ पे रहती है। तो तमाम सारे जो लोग भगवान बद्री विशाल के जो अंतिम इस जो 2021 की जो यात्रा थी इसके दर्शन में यहाँ पे हजारों लोगों ने जो है दर्शन किया और उसके बाद जो है कुबेर जी की गद्दी और शंकराचार्य की गद्दी जो है वहां से निकली और वो आज पांडुकेश्वर पहुंचेगी। और कुबेर की जो गद्दी है वो पांडुकेश्वर में विराजमान होगी। 6 महीने इसकी पूजा यहाँ पे लोग करेंगे, यानी हकू पुजारी पुरोहित करेंगे और 6 महीने बिल्कुल, यानी पुष्कर आज भी उत्सव के रूप में इस दिन को देखा जा सकता है क्योंकि आज भी लोग वहां पर जो पहुंचेंगे, श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पारुल, आज भी जो है भगवान आदि जो पांडुकेश्वर का मंदिर है, आदि बद्री जिसको कहते हैं, आदि बद्री पांडुकेश्वर मंदिर है, यहाँ पे भी सेम टू सेम मंदिर है क्योंकि भविष्य बद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे भी एक भव्य क्योंकि पांडुकेश्वर हो गया आपका, हनुमान चट्टी हो गया आपका, जो तमाम सारे लोग यहाँ पे रहते हैं इन लोगों ने यहाँ पे मंदिर को सजाया गया, पांडुकेश्वर का जो मंदिर है इसको सजाया गया और यहाँ पे भी एक भव्य रूप का कार्यक्रम होगा क्योंकि जो पैदल यात्रा आते हैं पारुल, सबसे बड़ी बात है कि पैदल आते हैं बद्रीनाथ का जो है ये पांडुकेश्वर का एरिया 16 किलोमीटर की जो यात्रा है ये पैदल लोग करते हैं, यहाँ पे पैदल डोली आती है। तो एक भव्य दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा आज भी। तो कहीं ना कहीं अब जाके जो है भगवान बद्री विशाल के कोई दर्शन करने आते हैं या पूजा अर्चना करने आते हैं तो पहले नरसिंह मंदिर जोशीमठ में पूजा अर्चना होगी और उसके बाद जो है पांडुकेश्वर में जो आज जो है कुबेर जी की डोली यहाँ पे विराजमान होगी, इसकी पूजा अर्चना यहाँ पे की जाएगी। जी चलिए ठीक है पुष्कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें, अब शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं और बहुत ही भव्य नजारा देखने के लिए कल मिला जब शाम को 7:45 बजे पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बद्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।